हेलो यू, सब ठीक है ना? कैसे हो भाई? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, वो बस यूं ही आप रोज की तरह लाइन में खड़े होते हैं, इसलिए मैंने आपको हाय कह दिया। इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनको क्यों नहीं स्माइल किया, क्यों नहीं हाय किया? नहीं नहीं बस, अरे अरे क्या कर रहे हैं? अपने कम कद के फ्रस्ट्रेशन ने लंबोदर को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बना दिया, और स्पेशली लंबे लोगों को देखकर तो उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता। लेकिन लंबोदर की लड़ाई सिर्फ ऊंचे कद वालों से ही नहीं थी, अपनी ऐसा लगता जैसे दो दो बच्चों को छोड़ने आती है। क्या बोला आपने? अरे रुको रुको, तमाशा मत करो, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। मम्मी, मैंने कहा था ना पापा को मत लेकर आओ, दो इधर। आयुष रुको, रुको, दूसरों पर गुस्सा करने से पहले जरा खुद की तरफ देखो, किसे ऐसी नहीं आएगी। आजकल तो आयुष को भी शर्म आती है आपकी। क्या? देखो आके किसी और को दिखाना। शुक्र मानो कि आज तक मैंने आयुष को नहीं बताया तुम काम क्या करते हो। जिस दिन जान जाएगा ना, जो बच्ची कुछ इज्जत है आपके लिए वो भी चली जाएगी। तो ये है लंबोदर झा का छोटा परिवार, दुखी परिवार। भगवान ने हाइट देने में कंजूसी क्या की, और लंबोदर का आसमान छूने का सपना सपना ही रह गया। कोई कुछ भी कहे बॉस, लेकिन साइज मैटर्स, किस्मत से भी थी। देखिए मिस्टर झा जी, मैंने आपकी कुंडली देखी। हाँ। बाकी तो सब ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना जी, है जी, जी। तो आपको आपके सरनेम का अंत में अक्षर जोड़ना जी, जी, जी। झा के बाद लाइफ में ऊपर चढ़ने के लिए हम तीनों की एक कॉमन सीढ़ी है, आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास। जिंदगी को जीना हम लोगों ने यही सीखा। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास मतलब दारू का खंबा और तीन ग्लास। जिंदगी जीने का इससे सही तरीका और क्या हो सकता है? ये ले भाई, कभी तो हाथ धोया कर, माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया? सिखाया ना कि बेटा लंबोदर, हाथ पे सुसु नहीं करनी चाहिए। अरे फुल पैक किया डूड, फुल पैक किया। ए, हाथ नहीं धोया तो कहने लगा कि आपको आपके सरनेम के अंत में अक्षर जोड़ना चाहिए। क्या जा के बाद? जा के बाद तो लंबोदर, अगर तेरा नाम फाइनल हो गया है तो नए नाम से बुलाए। जोक था यार। वो कहते हैं ना, क्या करेगा पांडू जब किस्मत ही है खराब खराब। साला, किस्मत बदलने के लिए इज्जत गवानी पड़ेगी। वो गायत्री भी बार बार धमकाती रहती है कि बेटे को बता देगी मैं क्या काम करता हूँ। इस औरत से शादी करके ना, तुम ये गलती रिपीट मत करना। एक ऐसी औरत ढूंढ जो तुझसे प्यार करे, एक ऐसी औरत जो तेरी सेवा करे, और एक ऐसी औरत जो तेरे लिए खुद कमा कर लाए। हाँ डूड, बस इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि तीनों औरतें कभी आपस में ना मिले। अच्छा था। वो कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाए तो ये नौकरी वोकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करूंगा। अपनी भी वही स्टोरी है ब्रदर, नोट चाहिए नोट। जिस दिन जुगाड़ हो गया ना, नेक्स्ट डे प्रिया के साथ टेक ऑफ। डूड बहुत लाउड हो रहा है। ये लाउड है? हम्म, ये लाउड नहीं है। लाउड जानता है क्या है? लेटेस्ट, मेरे बेटे ने मुझे चौकीदार की नौकरी ऑफर की है। ये लाउड है साला, ये लाउड है। डूड, ये पुरुषोत्तम का नाटक आजकल बहुत बढ़ गया है। एक चाबुक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, एक दिन ना मजबूत बजाते हैं उसकी। एक दिन क्यों, कली कान के नीचे देता हूँ, बहुत दिन हो गए वैसे यहाँ साफ किए हुए। कान के नीचे? तू लंबोदर, तू, मुझे लगता तेरा हाथ उसके कान तक पहुंचेगा। अच्छा था, अच्छा था दोस्तों, अच्छा था। बट सीरियसली डूड,
इस पुरुषोत्तम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए जाके बात, वो बोतल देना उधर से। ये भी अच्छा था, अच्छा था। खोका, अरे खोका मांगा है, खोका आप समझते हैं खोका, ये करोड़। बेटा गलती से रॉन्ग नंबर लग गया होगा, और मुझे लगता है खोका नहीं कोका, कोका कोला मांगा होगा। अरे पापा दुबई से फोन आया था, दुबई से। हम कब आते हैं कब जाते हैं पूरी इंफॉर्मेशन है उनके पास। यहाँ मेरी पूरी एक तो इसी की नजर में ना, इसलिए इतना पैसा कमाने के बाद भी इस मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते, फिर भी पता नहीं कैसे फोन आ गया। आज की तारीख में बिल्डर होना ही गुनाह है। दवाई हाँ। मैं तो कहती हूँ आपको पुलिस में जाना चाहिए। वाह, वो कंजूस रसिकलाल ने भी यही गलती की थी। आज स्वर्गलोक कंस्ट्रक्शन का मालिक खुद स्वर्ग में सेटल है। मैं कुछ साल धरती पे ही रहना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करके ये 1 करोड़ मैनेज करना ही पड़ेगा। कह रहा था वापिस फोन करेगा। हेलो, ये चिरकुट, हाय हेलो करने के लिए फिर से फोन नहीं किया, पैसे कब दे रहा है बोल। देखिए मैं पुरुषोत्तम का पिता बोल रहा हूँ, रमाकांत जोशी। दरअसल पुरुषोत्तम के पास इतने पैसे नहीं है। क्या नाम बोला तूने? जी रमाकांत जोशी। आप पहले ईरानीवाड़ी में रहते थे क्या? जी हाँ, लेकिन अरे जोशी काका, मैं गजलुल रहमान, आपका गजलू। गजलू? अरे गजलू, गजलू बेटा, इतने सालों बाद। हाँ याद है ना। अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो बचपन से ही आउटलाइन का लड़का था, लेकिन इतना बड़ा गुंडा बनेगा ये कभी नहीं सोचा था, वो भी NRI। क्या काका अभी? अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तेरा गजलों का शौक अभी भी है कि नहीं। अरे वो कैसे छूट सकता है काका, अभी 2 दिन पहले ही मेरे घर पे जगजीत सिंह का प्रोग्राम रखा था ना। क्या बात कर रहा है? और क्या, पहले 3 गानों के लिए सर पर घोड़ा लगाना पड़ा, फिर बाद में वो मूड में ही चला गया। तू बिल्कुल नहीं बदला। अरे कितनी बार समझाया कि रिस्क वाला काम मत किया कर रहे। अरे कैसे छोड़ू काका, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत है ना। जॉब सेटिस्फेक्शन? लेकिन आज लोचा हो गया काका। क्यों, क्या हुआ? आपके घर पे फोन किया, आपके गजलू को माफ कर दो, गलती हो गई। माफी क्यों मांग रहा है, मैं समझता हूँ। वैसे काका आपको कोई तकलीफ विकलीफ दे रहा है तो बोलना। तकलीफ? तकलीफ तो दोनों दे रहे हैं। कौन दोनों? एक आर्थराइटिस और एक अस्थमा। काका तकलीफ मतलब भाई लोग की तकलीफ। अरे नहीं, हम लोगों को ऐसा क्या। खैर फिर भी कोई बात होगी तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। काका अभी फोन रखता है क्या, भाई लगू। अच्छा बेटा जीते रहो। पापा आप नहीं होते तो मेरा तो 1 करोड़ गया होता ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा, रखवाली करना मेरा काम है, आखिर वॉचमैन जो हूं। अरे मैं कह रहा हूं ना, पुरुषोत्तम की शक्ल देखने लायक थी, एकदम कोडेक मोमेंट। बोला बाबा आज के बाद मांग कर सिगरेट नहीं पिएंगे। ऑसम डूड, एकदम हाई फाई। तूने भी क्या आवाज निकाल कर बात किया। फुल विकेट गई होगी ना पुरुषोत्तम की। अरे बिल्कुल, मैंने तो इतना डरा हुआ उसे सुहागरात वाले दिन भी नहीं देखा था। लेकिन काका तेरा बेटा तो तेरे से भी ज्यादा डरपोक निकला। अरे मैं तो 2 बार सोचता, वो तो 1 पांव पर खड़ा हो गया 1 करोड़ रुपया देने के लिए। यार तैयार हो गया? हाँ। क्या टेप लगा रहा है? नहीं सच कह रहा हूँ, बोला कि पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा, तुम देखते ना बात करते उसे। काका 1 मिनट, वो 1 करोड़ देने को तैयार है, पुलिस के पास भी नहीं जाएगा। काका की फाइल में भी तो पुरुषोत्तम का हिसाब किताब कुछ 1 करोड़ ही बनता है ना। तो क्यों नहीं, मतलब हेलो ब्रदर, क्यों नहीं हम। सीन लाउड हो रहा है, फोन करके बचाई ना उसकी। डूड सिगरेट का पैकेट जेब में लेकर शाइनिंग कर रहा है ना, तो बस इस आइडिया को ना इधर ही धन्यवाद करो। क्या तुम लोग एक्चुअली एक्सटॉर्शन के बारे में सोच रहे हो? अरे एक्सटॉर्शन नहीं यार, इन्वेस्टमेंट है जो मेरे बेटे पर मैंने की है। तो डूड एक्सेप्ट करो कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट डूबती भी है। इतना अच्छा मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, तू जो है। देखो भाई
अगर मेरी शादी प्रिया के साथ नहीं हुई ना तो मेरी जिंदगी भी तेरी तरह झा के बाट हो जाएगी। पैसे की जरूरत मुझे भी है, लेकिन इस तरह धमका के पैसे निकालने वाले हम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। ठीक है रे, बिल्कुल ठीक कह रहा। अरे ठीक कह रहा है ना, जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत जाने से बेहतर है कि अपनी कमाई चले जाए। और वैसे भी पुरुषोत्तम का डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा 1 करोड़ रुपया वसूल हो गया। वैसे डूड नाम माइंड ब्लोइंग था ना, गजलुर रहमान। माइंड ब्लोइंग कहाँ से मिला? बांग्लादेश के किसी क्रिकेटर का नाम है। बात कर रहा। वैसे उसका नाम फजल है। अब इतने इफेक्ट के लिए गजल कर डाला। स्कूल से होमवर्क मिला है, माय फादर माय हीरो विषय पर 200 पंक्तियां लिखने के लिए कहा है। 10 भी कह दोगे ना तो बहुत है। मतलब क्या है तुम्हारा? रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती हो तुम? अब बच्चे के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। बाकी बच्चों के बाप डॉक्टर इंजीनियर कम से कम क्लर्क तो है ही, लेकिन आप गायत्री बस भी करो, बार बार एक ही रट लगाए रहती हो तुम। तो बंद करो मेरा मुंह। लोगों को मार्केटिंग कहते फिरते हो, शर्म आती है? देखो जी ये बहुत हो रहा है। हाँ हाँ बहुत ही हो रहा है। एक तो शादी के वक्त कमर तक का फोटो दिखा के फंसा दिया तुम्हारे माँ बाप ने मुझे, तब से झेल रही हूँ तुम्हें। जहाँ भी जाती हूँ लोग पूछते हैं तुम्हारा पति क्या करता है, तो मुंह बंद करना पड़ता है मुझे। हाय रे मेरी किस्मत, तुम्हारे साथ कहीं आने जाने में भी शर्म आती है मुझे। भुगत रही हूँ मैं और तुम कह रहे हो बहुत हो रहा है। पता नहीं किस तरह का कर्म है मेरा जो तुम्हारे साथ पाला पड़ा है। वो मेरी शर्ट है। जब भी ये बात निकलती है आप भाग के क्यों जाते हो? हिम्मत है तो बताओ उसे, बताओ ना उसे काम क्या करते हो। सुनकर खुशी से नाचेगा वो, उसके ऐसे को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। स्कूल से लोगों की लाइन लगेगी आपको देखने के लिए, टिकट खरीद कर आएंगे लोग आपको देखने के लिए। दुनिया का 8वां अजूबा जो है मेरे घर में। हमेशा पूछता था ना तेरे पापा क्या करते हैं, देख। अब बता तू मेरे साथ चलेगा या इस मुर्गी के साथ रहेगा? आयुष, आयुष ऐसा नाम सोचते हैं कि सुन के गीली हो जाने चाहिए पुरुषोत्तम की। सोचो ब्रदर सोचो। ए, बोल बच्चन कंपनी कैसा रहेगा? नहीं ब्रदर, अपनी लाइफ की रेखा बदलने के लिए बच्चन साहब को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा। मिल गया, एक्सटॉर्शन मित्र मंडल नाम रखते। डूड गैंग का नाम सोच रहे हैं, गणपति का चंदा जमा करने नहीं जा रहे हैं।